स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीधा उसका रुख करते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भिवानी से है। सांसद को अश्लील वीडियो कॉल करने का मामला, और इस मामले को लेकर पुलिस ने रिमांड पर दो आरोपियों को लिया है। तीनों आरोपियों की नूह से गिरफ्तारी हुई है और इस मामले को लेकर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों से 13 मोबाइल और 15 सिम कार्ड भी बरामद हुए। अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करते थे और इसी के चलते गिरफ्तारी इनकी हुई। भिवानी से बड़ी खबर है, सांसद को अश्लील वीडियो कॉल करने के मामले को लेकर पुलिस ने रिमांड पर दो आरोपियों को लिया है। तीनों आरोपियों की नूह से गिरफ्तारी हुई और इस मामले को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। तो सांसद को अश्लील कॉल करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को रिमांड पर लिया है। जामताड़ा के बाद मेवात साइबर क्राइम का यह गढ़ है। पुलिस ने रिमांड पर लिया दोनों आरोपियों को, पूछताछ कर रही है। साथ ही कई चीजें भी बरामद हुई। तीनों आरोपियों की नूह से गिरफ्तारी की गई है। अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करते थे, यहां तक कि सांसद को भी अश्लील वीडियो करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस मामले को लेकर, और पुलिस ने रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। तो जामताड़ा के बाद मेवात साइबर क्राइम का गढ़ बन गया, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस मामले को लेकर रवि जांगड़ा, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। रवि जांगड़ा, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने भी फरमाया कि जामवाड़ा जो है, जहां पर इस तरह का अब चलता था, जहां पर इस तरह से लोग जो है साइबर ठगी का शिकार करते थे, एक बड़ा अब जो बना हुआ था उसी तर्ज पर नूह जो है वहां पर भी इस तरह का मामला सामने आया है। 5,000 के करीब जब पुलिस कर्मियों के द्वारा एक साथ रेड की जाती है तो निश्चित तौर पर उस इलाके के इस गिरोह के लोग थे वो गच्चा खा गए, और गच्चा इस वजह से भी खाया है क्योंकि भिवानी के पुलिस कप्तान पहले नूह में रह चुके हैं, जिनके रहते हुए ये रेड की गई थी, तो इनको इस बात की भान थी कि कहां किस तरह से हो सकता है। तीन आरोपियों को, हालांकि पहले मामले के परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगा, 28 तारीख को जो है एक कॉल की गई थी भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पास, और कॉल जो है वीडियो कॉल थी, न्यूड कॉल थी। जब धर्मवीर सिंह ने इस कॉल को रिसीव किया तो उसके बाद न्यूड वीडियो चलने लगा, उन्होंने तुरंत फोन काटा और इसके बाद पुलिस को इतला दी थी। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने मामले में त्वरित कार्रवाई करवाई, संज्ञान लिया था, टीमें गठित की गई थी और महज 8 घंटे के भीतर दो भाइयों तालीम और आमिर को गिरफ्तार किया गया था। और बता दूं कि तालीम जो है वो कहीं ना कहीं सिम लाने का काम करता था, आमिर जो है कॉल करता था। आमिर बताना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, कि एक ट्रक ड्राइवर है जो कि सिम लाता था और तालीम जो है वो कॉल करता था। एक अन्य बंदा है, एक तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, सहज को गिरफ्तार किया गया है, वो भी इसी तरह की गतिविधि में संलिप्त था। वो अपने आप को जो है कंप्यूटर का मास्टरमाइंड मानता था, मोबाइल का मास्टरमाइंड मानता था, वो कॉल करता था, तीनों पैसे ऐंठते थे। हालांकि जो तालीम है वो पुलिस अधिकारी भी बनता था, पुलिस के दोस्त दिखाता था, थाने ले जाने की बात कहता था, धमकी देता था, लेकिन इस बार वो गच्चा खा गया। और इस तरह से इस पूरे मामले में जिस गैंग को, यानी तीन लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, दो लोगों को 8 घंटे में गिरफ्तार किया गया था और एक शख्स। रवि जांगड़ा, अभी तक पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ इन्होंने बताया कि कितने लोगों को ब्लैकमेल इस तरह से कर चुके थे, और इस गैंग में कितने लोग शामिल थे जो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर हैं? कितने लोगों का गैंग था, कितने राज्यों में गैंग सक्रिय था? जी, 17 राज्यों के करीबन 250 लोगों को इनके द्वारा कॉल की गई थी। हालांकि पुलिस पूरी तरह से पूरे मामले को खंगाल रही है, लोगों के पास कॉल भी की है, खुद भिवानी के पुलिस कप्तान के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा कॉल की गई थी जो कि विक्टिम थे। बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा विक्टिम जो है 88 विक्टिम जो है वो पंजाब के हैं, 65 विक्टिम हिमाचल के हैं, 17 विक्टिम जो है पश्चिम बंगाल के। इसी तरह से 17 राज्यों के करीबन 250 लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया, लेकिन गच्चा यहाँ खा गए। जब भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद को कॉल की गई थी, पुलिस को शिकायत मिली थी, तो पुलिस ने कार्रवाई की। 13 मोबाइल फोन,
और इसके अलावा 15 सिम इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं जिनसे कॉल की गई थी। अभी हालांकि जो रिकॉर्ड खंगाला गया है 6 मोबाइल फोन के जरिए जो कॉल की गई थी उनका रिकॉर्ड खंगाला गया है, बाकी अभी भी पुलिस के द्वारा जांच भी की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने माना है कि महज 3 लोग एक गैंग में शामिल थे, इस तरह की छोटी छोटी गैंग मिलाकर। लेकिन इस मामले को लेकर देखिए सांसद का मामला था, इसलिए पुलिस ने इतनी सक्रियता से इस मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की। लेकिन अगर हरियाणा में हम देखें पिछले दिनों में तो साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्दी बन गया है इसको रोकना और गिरफ्तार करना आरोपियों की। आज भी शिकार हो रहे हैं लोग। जाहिर तौर पर सही दुरुस्त फरमाए आपने, इस तरह के मामले अगर आते हैं निश्चित तौर पर अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, ये पहला मामला ऐसा नहीं था, इससे पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं और कई मामलों में तो जो विक्टिम है जो पीड़ित है वो पुलिस को शिकायत नहीं करना चाहता। न्यूड कॉल की जहां पर बात आती है, पैसे भी कईयों से ऐठे गए हैं, कईयों ने पैसे भी जो है भरे हैं और पैसों का जहां तक जिक्र आया है 25,000 से लेकर के 1,00,000-2,00,000 तक इतनी राशि भी लोगों के द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं गैंग एक गैंग नहीं है, दो गैंग नहीं है, बहुतायत में सैकड़ों की तादाद में गैंग है। नूह मेवात में जहां से जिस गांव से इनको गिरफ्तार किया गया है अभी तक जानकारी मिली है, बाछोड़ थाना अंतर्गत ये गांव आता है जहां तक जानकारी आते हैं। और कितने लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनके साथ वो अटैच थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। हालांकि प्रथम दृष्टया इन 3 लोगों को इस अपराध में संलिप्त पाया गया है, ऐसे में 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों को पहले रिमांड पर लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई। तीसरा जो शख्स है शहज, जिसको आज गिरफ्तार किया गया, आज सुबह 4 बजे रेड करके उसको घर से गिरफ्तार किया गया था भिवानी पुलिस के द्वारा, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा कि आखिर और कितने लोग थे, लेकिन प्रथम दृष्टया 3 लोग इस गैंग में शामिल थे जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर है, पुलिस अब इस मामले को लेकर